हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम इंडिया में दोबारा से आ रहा है। 12 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा कि कब ये गेम इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कब हम दोबारा से इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में खेल सकेंगे। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। दोस्तों, पबजी गेम इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है, बहुत से लोगों ने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी, बहुत से गेमर्स बन गए हैं। और अब 2 महीने पहले चाइना के इश्यू की वजह से, साइबर क्राइम के कुछ रीजंस की वजह से इसको इंडिया में बैन कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से पबजी आने वाला। जैसे आप सभी को पता होगा कि पबजी माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करके इंडिया में दोबारा से एंट्री करने वाला है। तो उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन 12 तारीख को इनका एक इवेंट हो सकता है, लाइव स्ट्रीम हो सकती है या कोई ऐड आ सकती है, और काफ़ी चीज़ें तब क्लियर होंगी, स्क्रीन सारी क्लियर हो जाएगी कि पबजी कब आने वाला है या जो भी है, इनकी डिटेल सारी 12 तारीख को कंफर्म हो जाएंगी। और इस ऐड के दोस्तों कुछ लीक्स भी आ रहे हैं कि इस ऐड में जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर कुछ गेमर्स है, जैसे मोर्टल है, डायनमो है, ये इस ऐड में आ सकते हैं। ये एक हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं, साथ में कोई एक्टर या कोई स्पोर्ट पर्सन भी इस गेम में आ सकता है। जैसे फौजी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, सब उसको अक्षय कुमार का गेम बोल रहे हैं, अक्षय कुमार ने उसको प्रमोट किया था एक हिसाब से। इसी तरह से इसकी भी कोई ऐड आने वाली है, उसमें कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ अभी भी कंफ्यूजन लोगों के मन में है, जैसे उनका यूजर डेटा जो है उसका क्या होगा, जैसे बहुत से लोगों की आईपी वगैरह थी, लॉगिन आईडी थी, क्या वो चेंज हो जाएंगी या जो नया गेम आने वाला है उसमें दोबारा से इनको लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, तो ये सारी कंफ्यूजन लोगों के मन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से लॉगिन आईडी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होगी, जो पहली यूजर आईडी थी उसको ही यूज करके ये नया गेम इंडिया में दोबारा से आने वाला है। और रही बात कि डाटा के लीक होने की या साइबर क्राइम की या पहले वाला जो इश्यू हुआ था वैसी, कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो चाइना का रोल था इस बार इस पबजी मोबाइल में नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो ये पबजी मोबाइल है ये क्रोमटन कंपनी कोरियन कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट जो यूएसए की कंपनी है, ये दोनों मिलके ही इस गेम को इंडिया में लेके आ रहे हैं, और जो सर्वर्स होंगे वो भी सारे इंडियन ही होंगे, सो डेटा का लीक होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। पबजी मोबाइल को दोस्तों लगभग सभी ने मिस किया है, इंडिया में तो बहुत सारे गेमर्स हैं, बहुत से लोगों का गेमिंग स्टाइल चेंज हो गया था, काफ़ी लोगों ने लाइव स्ट्रीम इससे स्टार्ट कर दी थी, और यूट्यूब वगैरह पे भी इसके लाइव स्ट्रीम काफ़ी चलते रहते थे रेगुलर से ही। और मेन जो गेमर्स है, डायनमो है, मोर्टल है, अपना ये कैरीमिनाटी है, ये सारे गेमिंग काफ़ी ज़्यादा करते थे पबजी पे ही। अभी दोस्तों पबजी आने वाला है, देखते हैं इस डेट का हमें भी वेट है क्या, देखते हैं क्या कुछ होता है इस डे। जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी जानकारी होगी, मैं आपके लिए पहले वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर दोस्तों आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।